शास्त्र। आज इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे एक दूसरे कर्म के बारे में। जनरली लोग सोचते हैं कि यही एक पंचकर्म है, उन्होंने करवाया है, लेकिन ये पंचकर्म में नहीं आता है, ये एक्चुअली स्नेहन में आता है। और स्नेहन मतलब जिसमें बहुत ज्यादा ऑयल का इस्तेमाल होता है, और आयुर्वेद का पंचकर्म इसके नाम से बहुत ही फेमस है। शायद बहुत सारे लोगों ने पहचान लिया होगा, मेरे पीछे जो पात्र है वो भी वही सजेस्ट करता है, जिसका नाम है शिरोधारा। बहुत सारे लोग जो आयुर्वेदिक मसाज सेंटर में या स्पा में जाके फिर करवाते हैं, उसको शिरोधारा बोलते हैं। शिरो मतलब शिर प्रदेश मतलब सिर, अपने सिर के ऊपर कोई भी धारा जो कंटिन्यूसली पड़ रही है तो फिर उसको बोलते हैं शिरोधारा। बहुत बार ये धारा ऑयल की होती है, तेल की होती है, लेकिन तेल से अलावा भी ये तक्र धारा भी हो सकती है या किसी औषधि काढ़े की धारा भी हो सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये तेल धारा होती है। और तेल कौन सा यूज होता है, आपको जो भी तकलीफ है उस हिसाब से अलग अलग ऑयल डॉक्टर यूज कर सकता है। तो शिरोधारा का उपयोग क्या है, कौन से रोगों में, कौन से प्रॉब्लम्स में शिरोधारा यूज होता है? तो बहुत सारे जो साइकेटिक डिसऑर्डर्स है, मतलब डिप्रेशन है, एंजाइटी है, डर लगना, बहुत सारे लोगों को मनोअवसाद जिसको बोलते हैं, बुरे विचार आना, नींद ना आना, इंसोमनिया, इन सारे रोगों में शिरोधारे का बहुत ही अच्छा फायदा होता है। या फिर डेली लाइफ में हमें बहुत सारे स्ट्रेसफुल सिचुएशन फेस करने पड़ते हैं, हमें बहुत सारा स्ट्रेस आता है, इसके वजह से भी सिर दर्द होना या फिर नींद ना आना, बाल झड़ना, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो रिलैक्सेशन के लिए भी हम शिरोधारा का यूज कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो हफ्ते में एक बार या फिर महीने में एक दो बार किया तो भी हमें बहुत फायदा होता है। लेकिन अगर बहुत लॉन्ग टर्म से कोई भी पेशेंट जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के लिए अपने ट्रीटमेंट ले रहा है, जिनको मानसिक तौर पर जो कमजोर है, वो लोगों को एक कोर्स करवाना पड़ता है कि 7 दिन है या 15 दिन का है, 21 दिन का है, और आपके प्रॉब्लम के हिसाब से डॉक्टर ब्राह्मी तेल है, वज्रा तेल है, या फिर क्षीर बला तेल है, ऐसे बहुत सारे तेल हैं वो यूज करता है। शिरोधारा में क्या होता है, अपना सिर जो है वहाँ बोल सकते हैं ब्रेन जो है वो पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, ब्रेन से ही सारे नसें निकलती है और पूरे शरीर को अपने कंट्रोल करता है, जो अपने विचार का कंट्रोल करता है, अपने दिल का धड़कना, सांस चलना, पेट, ये सारी चीजें। और गीता में भी बोला गया है ऊर्ध्व मूलम अधःशाखम, मतलब हमारा जो मूल है ये ऊर्ध्व यहाँ पे है और वहां से ही पूरी सारी नसें निकलती है, मतलब शाखाएं, जैसे वृक्ष की शाखाएं निकलती है वैसे निकलती है। तो अगर इसको ट्रीटमेंट करें, इसको हम अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे तो पूरी बॉडी में नेचुरली अच्छे से इफेक्ट आएगा। तो शिरोधारा आपके ब्रेन को कंट्रोल करती है, यहाँ पे जो वायु है वो बढ़ जाता है, इसके वजह से हमारी चंचलता, विचारों की अस्थिरता बढ़ जाती है। तो शिरोधारा में जो बहुत कम से कम 2 से 3 लीटर तेल आपके यहाँ जो भ्रूमध्य है, आईब्रोज के बीच की जगह है, वहां पे गिरता है और कंटिन्यूअस कम से कम 15 से 20 मिनट तक वो गिरता है, तो उस वजह से वहां के वायु को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। तो जैसे मैंने बोला कि मानसिक रोगों में, डिप्रेशन में, जिनको बहुत ज्यादा डर लगता है, एंजाइटी, बार बार वो चिंता करते हैं, गुस्सा करते हैं, डरे डरे से रहते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, वो लोगों में हम शिरोधारा यूज करते हैं। उसके साथ ही नींद न आना या फिर बालों का झड़ना, असमय बाल सफेद होना, डैंड्रफ है, बालों की कोई भी समस्या है, इसमें भी हम शिरोधारा का यूज कर सकते हैं। और दूसरी जो धारा मैंने बोली है जिसमें तक्र धारा है, तक्र धारा हम किसमें यूज करते हैं, सोरासिस, जो स्किन का प्रॉब्लम है उसमें भी हम तक्र धारा यूज करते हैं, लेकिन ये बहुत सारे लोग डॉक्टर्स इतना यूज नहीं करते हैं। जो फेमस है वो तेल धारा है और केरला में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और अभी अभी अपने यहाँ पे भी बहुत पॉपुलर हो गई है।
तो अगर आपको कोई ऐसी मानसिक बीमारी है या फिर जनरल आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, आपका स्ट्रेसफुल जॉब है, तो आप कभी भी किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करके उसके पंचकर्म सेंटर में जाके शिरोधारा करवा सकते हो। तो आप जल्दी से जल्दी जाएं, वहां पे शिरोधारा के बारे में जानकारी ले, करवा ले, और आपको कितना फायदा पहुंचता है मुझे जल्दी से जल्दी बताइए। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।